आर्य समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर में साप्ताहिक यज्ञ का आयोजन आर्य समाज के प्रधान रंजीत आर्य की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें मुख्य यजमान पवन मल्होत्रा और रजनी मल्होत्रा ने पवित्र पावन यज्ञ में आहुतियां प्रदान की। आर्य समाज के सुप्रसिद्ध विद्वान आचार्य पंडित जय प्रसाद शास्त्री ने मंत्रोच्चारण सहित यज्ञ सम्पन्न करवाया। आर्य समाज के प्रसिद्ध भजन गायिका सोनू भारती और गायक रवि पौडवाल ने ईश्वर भक्ति का भजन सुनाकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। आर्य समाज के महामंत्री हर्ष लखनपाल ने मंच संचालन किया। आर्य समाज के प्रधान रंजीत आर्य ने सभी का धन्यवाद किया। यज्ञ के उपरांत लंगर का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर सुरेंद्र खन्ना, रेवा खन्ना, सुनीत भाटिया, डिंपल भाटिया, ओम प्रकाश मेहता, ईश्वर चंद्र रामपाल, रहमत भाटिया, रूहानी भाटिया, भूपेंद्र उपाध्याय, पुष्पा देवी, अमरनाथ, कुबेर शर्मा, पूनम मेहता, गौरव आर्या, पवन महाजन, कृष्ण कुमार सूद, ऋषु सूद, ललित मोहन कालिया, कुमार गौरव और गौरव मेहता भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। बहुत बड़ी सिद्धि है, बहुत बड़े हमारे लिए, देश के लिए, हमारे हम सभी के लिए अभिमान का विषय है, गर्व का विषय है कि हमारे बीच में से पैदा हुए हमारे आर्य भारत, हमारे भारतीय जिन्होंने इस संस्कृति ग्रहण की है, वो ऋषि सुनक जी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने हैं, जिन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 300 वर्ष तक राज किया, आज एक हिंदू ने वहां जाकर उन गोरों के ऊपर राज किया और अपनी पहचान बनाई, अपनी योग्यता के कारण पहचान बनाई, कोई द्वंद युद्ध करके नहीं बनाई, अपनी योग्यता के कारण पहचान बनाई। इस वेदी पर पिछले 40 साल से लगातार वेद मंत्रों का बुझाइमान हो रहा है। ऐसी पवित्र यज्ञ पर बैठक की, इस पवित्र यज्ञ को करना पवित्र और वेद मंत्रों के द्वारा मूर्तियां प्रदान इधरों की भावनाओं को लेकर इसने यज्ञ किया। मेरा नहीं प्रभु तेरा ही किया है। इनके अंदर श्रद्धा, ये यज्ञ परिवार, ये हमेशा ही परमात्मा के साथ जुड़ा रहने वाला परिवार, ऐसे परिवार पर पिता परमात्मा आपके पुत्र पुत्री यहाँ पर बैठ कर यज्ञ किया है। हम सभी ने मिलकर इनके साथ आज के इस विशेष आयोजन का कार्यक्रम करते हुए इस महान यज्ञ को संपन्न किया। आप सभी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इस पवित्र पावन यज्ञ को